हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज़ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लास फाइव इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। यू ऑल नोन कि ए कंप्यूटर इज डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है, एंड एक्सेप्ट रॉ इंफॉर्मेशन और डेटा एज इनपुट एंड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। कंप्यूटर सभी यूज़ करते हैं, इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे ह्यूमन में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ होती हैं, हर मशीन की अपनी एक क्वालिटी होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर एक मशीन है और उसके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो वो क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ये स्पीड। ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल फंक्शंस एट अ वेरी हाई स्पीड। इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और परफॉर्म 100 मिलियंस कैलकुलेशन पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज कैलकुलेटेड इन मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड और MIPS। कंप्यूटर की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग उसको कॉपी नहीं कर सकता। अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन करने के लिए दे दूं कि 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग का जितना भी आपका टोटल आ रहा है वो कर दीजिए, आपको लगभग 2 या 3 मिनट्स तो उसमें लगने ही लगने हैं, कितने भी तेज़ माइंड वाला मैथमेशियंस हो, होता है ना। बट कंप्यूटर को अगर आप वो वक्त दे दोगे तो जस्ट सेकेंड वो आपको इसका आंसर दे देगा, और बल्कि इससे ज़्यादा फिगर की भी अगर कोई अमाउंट होगी तो उसका भी कैलकुलेशन वो जस्ट सेकेंड में। कोई ऐसी ही नेक्स्ट है एक्यूरेसी। ए कंप्यूटर फंक्शंस विद ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इट कैन प्रोवाइड एक्यूरेट सॉल्यूशंस इन लेस टाइम एज कंपेयर्ड टू अ ह्यूमन ब्रेन। वंस प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस आर सेट, ए कंप्यूटर इज इनकैपेबल ऑफ मेकिंग द एरर दैट ह्यूमन यूजली कमिट। अभी जैसे अभी बात हुई कि आपको कैलकुलेशन करने के लिए दे दिया जाए, आप 3 मिनट्स लेंगे तो बट उसमें भी गलती होने की काफ़ी चांसेस हैं। बट अगर आप वो कंप्यूटर को देंगे तो जस्ट अ सेकेंड वो उसका आंसर के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी देगा, उसके कैलकुलेशन में गलती कभी नहीं हो सकती। आपके इनपुट देने में गलती हो सकती है बट उसके कैलकुलेशन में गलती नहीं हो सकती। जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही वो आपको उसका रिजल्ट शो कराएगा। प्रेसिस्टेंस। ए कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड। इट कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। ह्यूमन बींग क्या होते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करा दिया जाए आप बहुत थक जाएंगे, बल्कि 2-3 घंटों में ही थक जाएंगे। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को अगर आप सुबह से ऑन करके अगर शाम तक भी खोल देंगे, बल्कि 2-3 दिन तक भी खोलेंगे, तब तक ओपन करेंगे ऑन करेंगे तब भी, चाहे आप उसे कितना वर्क करा दीजिए, वो थकेगा नहीं, आपको कंप्लेन नहीं करेगा कि आप मुझे इतना काम क्यों दे रहे हो। स्टोरेज कैपेसिटी। ए कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विद इन ए वेरी लिटिल फिजिकल स्पेस। आपके माइंड में कितनी चीज़ें स्टोर कर सकते, बहुत कम। कोई मेमोरी ऐसी हुई जो ज़्यादा ही अच्छी हुई तो वो ज़रूर आपको याद रह सकती है, बट ह्यूमन बींग की आदत है कि उसे कुछ भी दे दिया जाए वो थोड़े टाइम बाद उसको भूल जाता है। बट कंप्यूटर में हम बहुत सारा डेटा उसको स्टोर करके रख सकते हैं। अलग अलग साइज़ आते हैं हार्ड डिस्क के, पेन ड्राइव्स के, मेमोरी कार्ड के, तो जितना स्पीड का आप लोगे स्टोरेज का उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेव कर सकते। वर्सेटिलिटी। ए कंप्यूटर कैन बी यूज टू परफॉर्म वेरियस काइंड ऑफ टास्क सच एज राइटिंग अ डॉक्यूमेंट, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग वीडियो, ड्राइंग और पेंटिंग। कंप्यूटर बहुत सारे डिफरेंट टास्क कर सकता है, ये नहीं है कि सिर्फ वो कैलकुलेशन के लिए बनाए। आप उसमें डॉक्यूमेंट लिख सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, वॉचिंग वीडियो, गेम खेल सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो, और भी बहुत सारे काम हैं। कंपैक्टनेस। कंप्यूटर हैव इन्वॉल्व्ड विद ह्यूज मशीन्स टू कंपैक्ट पर्सनल डिवाइसेस। द मॉडर्न कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड वेरी लिटिल प्लेस एंड कैन बी कैरीड अवे तो ईजी एक्सेसिबिलिटी। कंप्यूटर में अब ऐसा क्या सिस्टम हो गया है कि बहुत सारी अदर डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकता है, लाइक आपके स्पीकर्स कनेक्ट कर सकता है, आपके मोबाइल को कनेक्ट कर सकता है। आजकल क्या है, मोबाइल के थ्रू भी इंटरनेट हम कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, और भी अदर सारी बहुत सारी डिवाइसेज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। रिलायबिलिटी।
ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड विदाउट अ सिंगल मिस्टेक. इट प्रोवाइड्स कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स फॉर ऑल लॉजिकल इनपुट्स. दिस मेक्स कंप्यूटर एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट वेन परफॉर्मिंग द सेम एक्शंस रिपीटेडली. कंप्यूटर्स आर मोर एफिशियंट एट डिटेक्टिंग इरेगुलरिटी ड्यू टू द हायर लेवल ऑफ प्रेशियस देन डिस्प्ले वैन वेरीफाई डेटा. ओके, तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. जब किसी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो साथ ही साथ में कुछ बुराइयाँ भी होती हैं. तो अगर करेक्टरिस्टिक्स हैं तो आफ्टर ऑल लिमिटेशंस भी होंगे. तो वो क्या हैं? ए कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन. कंप्यूटर कभी अपने दिमाग का यूज़ नहीं करता. आप उसको जो डेटा दोगे वही उसको करेगा. आपने इंस्ट्रक्शंस दिया उसको परफॉर्म करेगा. ये नहीं है कि आपके माइंड ने सोच लिया कि 1 और 1 2 करना है तो उसने खुद से कर दिया. नहीं, आप जब तक उसे इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे कि 1 + 1 = 2 तब तक वो उसका आंसर आपको नहीं देगा. ए कंप्यूटर इज प्रोन टू लॉजिकल एरर्स. Although a computer is extremely efficient, fast and reliable, it often likely commits logical error. Functions may store programs. कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे algorithm और programs होते हैं जिसमें वो logic error आ जाती है. Incorrect unexpected behavior कब आता है? जब आप उसमें बहुत सारा वर्क दे दो. इतना उसका दिमाग नहीं है लेकिन उसको आप भरे जा रहे हो. उतनी CPU की capacity नहीं है बट आप उसमें डाले चले जा रहे हो, वर्क करे जा रहे हो, तो वो हैंग हो जाएगा. तो ऐसा भी सिस्टम आ जाता है. कंप्यूटर कैन नॉट मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन. कंप्यूटर कभी भी अपने डिसीजन खुद नहीं लेता. आप उसको डिसीजन करने के लिए इनपुट दोगे तभी देगा. ए कंप्यूटर कैन नॉट अप्लाई डेटा ऑन इट्स ओन. कभी भी इनपुट वो खुद से नहीं डिसाइड करता. आप दोगे तभी करेगा. ए कंप्यूटर कैन नॉट लर्न और अपने आप से लर्न नहीं करता. ए कंप्यूटर हैज़ नो क्रिएटिविटी. उसके आपसे अपने आप से कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है. तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं. वेरियस डिवाइसेस आर इन्वेंटेड आर पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ कैलकुलेट नंबर्स एंड इक्वेशंस. द इन्वेंशंस ऑफ अबेकस द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस बिगिन द जर्नी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स. नेपियर बोन्स ने एक मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे और पास्कलाइन अर्थमेटिक मशीन एंड इन्वेंटेड में ब्लेस पास्कल. डिफरेंस इंजन वॉज यूज टू सॉल्व मैथमेटिशियन इक्वेशन कॉल पॉलीनोमियल्स. द एनालिटिक इंजन वॉज कंसिडर एज द फर्स्ट जनरेशन पर्पज कंप्यूटर्स. तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ओके बच्चों, द चैप्टर इज एंड. थैंक यू.